में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। इस समय बात करेंगे हम सिरल भाग्य लक्ष्मी की, जहाँ भाग्य लक्ष्मी में अब यहाँ पारो को सारा सच अब पता चलने वाला है। जहाँ पारो ही अब यहाँ पे सभी की गलतियों का अब एहसास दिलवाते हुए नजर आएंगे और ऋषि को यह सारा सच बताएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर ऋषि अपने ही गिल्ट में जी रहा है कि उसने जो लक्ष्मी के साथ किया, अगर शायद वो ना करता तो आज यहाँ लक्ष्मी जिंदा होती और उसके साथ रह रही होती। और वो यहाँ पर प्रेग्नेंट भी थी, तो यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी अपने बच्चे के साथ होती। फिलहाल ये सारी बातें अब यहाँ पे पार्वती बताएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पारो को भी अब यहाँ सच पता चलेगा, उसकी माँ का, उसके असली बाप का। लेकिन यहाँ पर जो नीलम है वो कोई ना कोई खेल खेलेगी, जिसकी वजह से ये सारा सच अब छुपा रहे। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है वो रोहन के घर में या कहे ऋषि के घर में पार्वती रह रही है। पारो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। पारो यहाँ पर जो है वो जाना चाहते अपनी माँ के पास, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ रही है। ऋषि अब ले जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ले जाने से पहले वो ये कहता हुआ नजर आएगा कि यहाँ मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। अब वो चीजें यहाँ पर दिखाने से पहले जो पारो है वो अब जो है वो ऋषि वाले कमरे में पहुंच जाएंगे, जहाँ ऋषि के कमरे में देखेगी कि लक्ष्मी की फोटो टंगी हुई है बड़ी सी, और उस पर जो है वो माला चढ़ी पड़ी है। अब ये तस्वीर देखने के बाद अब यहाँ पार्वती को यहाँ बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पार्वती चिल्लाती हुई नजर आएगी और यहाँ वो कहते हुए नजर आएगी कि मेरी माँ की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है। अब यहाँ जो है ऋषि उसकी चीखें सुन करके अब आ जाएगा, नीलम दादी और वीरेंद्र सब के सब अब यहाँ आने वाले हैं, जहाँ पर जो है वो पार्वती को ये कहते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार क्या हुआ, तुम्हें फिर से कोई चोट लग गई क्या। ऋषि हर तरफ देखेगा उसे, लेकिन यहाँ उसे कोई चोट नहीं लगी होगी, उसकी नजरें सीधा यहाँ पे दीवार पर टंगी फोटो पर होगी। जब वो कहेगी कि ये तस्वीर आखिरकार आप लोगों के पास कहाँ से आई, या मेरी माँ की तस्वीर आपके पास क्या कर रही है, यानी यहाँ पर जो पार्वती के मन में जितने भी जो सवाल थे वो सारे अब यहाँ पे बोल देंगे। लेकिन ऋषि खुद यहाँ पे हैरान है कि पार्वती आखिरकार लक्ष्मी को कैसे जानती है और वो यहाँ उसे अपनी माँ क्यों कह रही है। यानी एक बात तो यहाँ साफ हो गई है कि लक्ष्मी जिंदा है और यहाँ पार्वती उसकी बेटी है। अब बेटी और यहाँ माँ दोनों का राज खुल चुका है, और ऐसे में जो ऋषि है वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगा और नीलम के सामने सारा सच बता करके वो निकल जाएगा गुरदासपुर के लिए। जहाँ गुरदासपुर जाने से पहले अब आयुष से भी मिलेगा और आयुष भी अब इसके साथ जाने वाला है। जहाँ आयुष की भी मुलाकात अब यहाँ शालू से अब होते हुए नजर आएगी। देखिए यहाँ पर तो बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि दोनों बहनों के साथ एक ही चीज हो रही है, यानी कि दोनों का जो भाग्य का खेल है वो सेम रिपीट ही हो रहा है। जो लक्ष्मी के साथ हुआ वो शालू के साथ अब होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऋषि छीना है लक्ष्मी से, उसके बाद शालू से यहाँ आयुष, यानी दोनों अब यहाँ पे अलग अलग रह रहे हैं। फिलहाल यहाँ आयुष की जिंदगी में तो अनुष्का है, जहाँ अनुष्का जब यहाँ सारा सच जानेगी तो वो शालू को दूर करते हुए नजर आएगी, जैसे पहले यहाँ मलिष्का जो है वो ऋषि लक्ष्मी को दूर करते थे। अब यहाँ जो है वो इन सब की सच्चाई सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान है। तो शो के ट्रैक में क्या होगा, किस तरीके से अब होने वाले हंगामे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी ऐसे मोर अपडेट्स जानने के लिए आप टिक टीवी को फॉलो जरूर करें।